क्या इस बार बिग बॉस का ये शो नए कंटेस्टेंट्स के दम पर टीआरपी नहीं ला रहा है? क्या सलमान खान के कारण भी ये शो टॉप 5 का हिस्सा नहीं बन पा रहा है? वेल, जिस तरह से बिग बॉस के शो में पुराने जो कंटेस्टेंट्स है या जो एक्स बिग बॉस के हाउसमेट्स हैं वो गेस्ट बन बन कर आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि एक एक एपिसोड की टीआरपी को बढ़ाने के लिए बिग बॉस के मेकर्स को ये ट्रिक्स करनी पड़ रही है। जैसा कि हमने बताया कि जैसे ही शो शुरू हुआ था, किस तरह से हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान को 15 दिन तक शो में रखा गया था, राधे माँ को बुलाया गया। अब शहनाज गिल, जो कि पिछले सीजन की सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट थी, उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग थी, बहुत पॉपुलर कंटेस्टेंट रही वो बिग बॉस के शो की, उनको कल बुलाया गया। हालांकि वर्चुअल गेस्ट के रूप में शहनाज कल इस शो में आई थी, लेकिन शहनाज के आते ही वाकई में शो में चार चांद लग गए। जिस तरह से उनका बोलने का तरीका है, जिस तरह से वो स्वीटली और क्यूट तरीके से फ्लर्ट करती है, वो तरीका सभी को पसंद आता है, ना बुरा लगता है और अच्छा बहुत लगता है। शहनाज ने भी कल आते ही सलमान खान से फ्लर्ट किया और कहा कि आपने मुझसे मैचिंग कपड़े क्यों नहीं पहने। इस पर सलमान भी शहनाज की ही स्टाइल में उनको सॉरी कहते नजर आए और कहा कि माफ कर दो। शहनाज ने सलमान से हग करने की डिमांड की, फिर दोनों ने वर्चुअली हग किया और उसके बाद शहनाज ने सलमान को कहा कि आई लव यू इन अ पॉजिटिव वे। इसके बाद शहनाज गिल घर वालों से भी कुछ मजेदार और फनी बातें करती नजर आती है। जब से बिग बॉस का पिछला सीजन खत्म हुआ है, तब से सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल, इन दोनों को लोगों ने काफी पसंद किया है, दोनों को साथ में भी पसंद किया है और दोनों को अलग अलग भी पसंद किया है। जाहिर सी बात है, इनको इस शो में गेस्ट के नाम पर बुलाकर कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलैरिटी के थ्रू शो को एक बार फिर से हाइप देने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर सवाल ये उठता है कि जो इस शो के होस्ट है सलमान खान, जिसके दम पर ये शो चलता था, जो करोड़ों इस शो के लिए चार्ज करते हैं, इस बार वो सलमान खान का स्टारडम भी जनता पर नहीं चल पा रहा है। ऐसे में एक्स कंटेस्टेंट्स को बुलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से इस शो की टीआरपीज बढ़ेंगी और ये शो टॉप 5 पर आएगा, जो अब तक नहीं हुआ है, या फिर इस बार का जो बिग बॉस सीजन है वो एक सबक है कि बॉलीवुड वालों सुधर जाओ।